नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा टॉपिक है कछुए के ऊपर, वो है कि यदि आपका कछुआ प्रेग्नेंट है तो आप उसे कैसे डायग्नोस करोगे। दूसरा जो सबसे मेन है कि कछुए बच्चे कैसे देते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि हमारा कछुआ प्रेग्नेंट है या नहीं है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप ये डायग्नोस कर सकते हो कि आपका जो कछुआ है प्रेग्नेंट है नहीं है। दूसरा, आपको सबसे पहले पता जो कछुए बच्चे कैसे देते हैं। कछुए मोस्टली जो है ओवोपेरस होते हैं। कछुए के केस में जो है इसको ओवोपेरस कर सकते हैं, यानी कछुए मेटिंग के बाद जो है अंडा देता है, उस अंडे को जमीन के अंदर पार्टिकुलर एक मॉइस्चर के टेम्परेचर के ऊपर जमीन के अंदर रखता है। उसके बाद उसमें से 90 डेज के ऊपर जो उसमें से बच्चा निकलता है। एक जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है आप लोगों के बीच में कि कछुए की सेक्सुअली मैच्योरिंग एज क्या होती है, क्योंकि लोगों ने घरों में कछुआ पाला, एक साल बाद, दो साल बाद जब उनमें से अंडे या बच्चे नहीं होते हैं तो मोस्टली उनके मन में झिझक आ जाती है कि उनके कछुए ने अभी तक जो है अंडे क्यों नहीं दिए हैं। मैं आप सबको यहाँ बताना चाहूँगा कि कछुए जो है सेक्सुअली मैच्योरी जो है एक काफ़ी बड़ी एज में जाके होती है, यानी 6 से 7 साल की एज के बाद वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। उसके बाद ही जो है वो अंडा देना शुरू करते हैं। ये जो फीमेल्स जो होती है मेल की सर्चिंग के लिए पार्टिकुलर एक टाइप टिपिकल बिहेवियर जो है इस एज के बाद शो करना शुरू करती है। जब मेल और फीमेल की मेटिंग हो जाती है उसके बाद जो है मोस्टली जो है फीमेल जो अंडे देती है वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों के घरों में जो फीमेल है केवल और उनके घर में कोई मेल नहीं है, ना आपकी उनकी फीमेल की कभी मेटिंग हुई है, लेकिन फीमेल ऑटोमेटिक जो है पार्टिकुलर एज के बाद उसका नॉर्मल साइकिल प्रोसेस है, वो अपने आप अंडा देना शुरू कर देती है। लेकिन आप ये मान के चलिए उस टाइम जो आपकी फीमेल ने अंडा दिया वो सेक्सुअली या आप कह सकते हो इनफर्टाइल एग होता है उसमें, क्योंकि मेल की मेटिंग नहीं है, उस अंडे का कोई रोल नहीं है, वो जो अंडा है यूजलेस है, यानी उस अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा। अंडे की फर्टिलिटी के लिए मेल और फीमेल की मेटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जब फीमेल पार्टिकुलर एक एज में जाके 6-7 साल के बाद जब सेक्सुअली मैच्योर होती है तो मेल के सर्चिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करती है। मेल और फीमेल्स के बीच में जो मेटिंग होती है, मेटिंग के बाद जो फीमेल जो है मेल के स्पर्म्स को 3 साल तक अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकती है। यानी आप ये मान सकते हैं यदि एक बार मेल और फीमेल की मीटिंग हो गई है उसके बाद फीमेल अगले 3 साल तक बिना किसी मेल की सहायता के जो भी एग ले करेगी वो आपका जो एग होगा ऑटोमेटिक फर्टाइल होगा, उस एग में से जो है बच्चा भी निकलेगा। कछुए में जो ब्रीडिंग सीजन होता है आप ही मान के चलिए पार्टिकुलर साल का एक सीजन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्सुअली मैच्योर होती है। अप्रैल से लेके जून के बीच में इनका जो है मेटिंग सीजन माना गया है और अगस्त से लेके अक्टूबर तक के बीच में जो है उन अंडों में से जो है बच्चे निकलते हैं। ये दो पार्टिकुलर पीरियड ऐसे होते हैं, यानी इस मंथ्स के हिसाब से भी थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं कि इन मंथ्स के अंदर जो मैक्सिमम जो है फीमेल्स जो है हीट में आती है या फीमेल्स में सेक्सुअल मेच्योरिटी इसी मंथ्स में जा करके आती है, और वो जो ब्रीडिंग के सीजन है, ब्रीडिंग के साइंस जो है आपको इन मंथ्स के अंदर जो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फीमेल जो है एक बार में 2 से 12 अंडे तक देती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज की जो है फीमेल या कौन सी स्पीसीज का जो है कछुआ आपने पाला हुआ है। अंडों में से जो बच्चे हैं मोस्टली अक्टूबर के महीने में जाकर निकलते हैं, उस टाइम डिपेंड करता है, यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो अंडों में से बच्चे जल्दी निकलते हैं, यदि वातावरण में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है तो अंडों में से बच्चे निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी थोड़ा सा जो है इसमें आप कह सकते हो टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है। इसलिए टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि अंडे में से बच्चे जल्दी निकलेंगे देर से निकलेंगे, और टेम्परेचर ही एक ऐसा माध्यम है जो डिसाइड करता है कि अंडे में से निकलने वाला बच्चा जो मेल होगा या फीमेल होगा, ये सब टेम्परेचर डिसाइड करता है। आपकी मेल और फीमेल्स की आपने देखा कि मीटिंग हो गई है, मीटिंग होने के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आपके पास जो कछुआ फीमेल जो मादा है आप उसको कैसे डायग्नोसिस करोगे। आप अपनी फीमेल्स में बॉडी में थोड़ा सा एब्डोमिनल में चेंजेस तो देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी फीमेल्स को मेटिंग के दो महीने बाद रफली जो आप किसी एवियन एक्सपर्ट या वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। डॉक्टर्स जो है पेल्पेशन विधि के द्वारा जो है उसके एब्डोमेन को दबा करके आपको ये फील करके बता सकता है कि उसके एब्डोमेन में जो है अंडे हैं या नहीं है। उसका सबसे आसान तरीका है आप जो डॉक्टर्स जो है अगले दोनों पैरों को कछुए को पकड़ता है, जब आप कछुए के अगले दोनों पैर पकड़ लेते हैं तो पीछे वाले पैर से कछुआ जो है प्रेशर लगाता है, जब वो पीछे वाले पैरों पर प्रेशर लगाता है उस टाइम उसका जो एब्डोमेन का हिस्सा है कुछ बाहर आने की कोशिश करता है उस प्रेशर की वजह से। उस टाइम हम फील करके यदि उसकी बॉडी में एग है तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फीमेल की बॉडी के अंदर एग ऑलरेडी है या नहीं। तो ये एक पेल्पेशन विधि ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ये पता चलता है कि आपकी जो फीमेल है प्रेग्नेंट है।
दूसरा एक्सरे के द्वारा हम ये कन्फर्मेशन आइडिया है कि आप अपनी फीमेल्स का जो एक्सरे करवा सकते हैं, एक्सरे के अंदर उसकी बॉडी के अंदर एग्स है तो वो आप इजिली जो है एक्सरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। यदि आपकी फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो प्रेगनेंसी के बाद ऑटोमेटिक फीमेल में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जब फीमेल ये फील करती है कि उसकी बॉडी के अंदर एग आ गए हैं तो फीमेल में ऑटोमेटिक मैटरनल बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, यानी फीमेल जब अंडे देने के लिए तैयार होती है ऑटोमेटिक जो फीमेल जो है जमीन खोदना शुरू कर देती है। इस तरह की पोजीशन में आपका और हमारा दायित्व बनता है कि आपकी यदि फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम उसको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, सॉफ्ट मिट्टी प्रोवाइड करें ताकि फीमेल उसको इजिली खोद करके अपने अंडों को जो है मिट्टी के अंदर दबा सके और उस जगह पे जो मिट्टी है सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि फीमेल को किसी तरह का जमीन खोदने के लिए ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े। जमीन मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए और थोड़ा मॉइस्चरप्रूफ होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर और मॉइस्चर अंडे के फर्टिलिटी में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए यदि हमें कंफर्म हो गया कि हमारी फीमेल प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप फीमेल्स में कोई आंखों में सूजन देखते हैं या उसके नाक के अंदर से कोई पानी आ रहा है या ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपकी फीमेल ने अचानक से खाना कम कर दिया है या फीमेल का जो वेट है डे बाई डे डाउन होना शुरू हो गया, यदि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आता तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन में आपकी फीमेल को काफ़ी रिस्क रह सकता है। इस तरह का कोई भी आप चीज़ नोटिस करते थे तो आप तुरंत अपनी फीमेल को जो है वेटनरी डॉक्टर्स या इवन एक्सपर्ट्स के पास ले जाइए। जितना जल्दी आप ले जाएंगे उसकी उस समस्या से या उसकी जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगी उसको मेडिकेशन के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि कछुए अंडे कैसे देते हैं, कैसे आप बच्चे देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो मेरे से आप प्रश्न करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।